मित्रों, आज महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पावन जयंती का दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के इस महान सपूत को देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, वरिष्ठ समाज सेवी भी थे, देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और उनकी सेवाओं को देखते हुए देश की आजादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में उन्होंने देश के उद्योग और खाद्य विभाग मंत्रालय के महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वहन किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के तमाम उन षड्यंत्रों को, जो भारत को कमजोर करने वाले थे, उन्हें बेनकाब करने और उन षड्यंत्रों के प्रति समय रहते सचेत करने का काम भी किया था। उनकी उल्लेखनीय सेवाएं बंगाल त्रासदी के दौरान भी स्मरणीय रही है। स्वतंत्र भारत में उनकी सेवाओं को लेकर के आज पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। कश्मीर आज अगर भारत का हिस्सा है तो उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संघर्ष और उनका बलिदान, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया था। आज उनकी 122वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत माता के इस महान सपूत को मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो एक आजाद भारत में नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे,
उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें साकार करने में मदद मिली है। यह देश आज कश्मीर विकास और समृद्धि की जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी 122वीं पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।